राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी सहजन की फली की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सहजन की फली की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम सहजन की फली लिया है। हमने इसे अच्छे से धो के इसका पानी सुखा दिया है। सब्जी बनाने के लिए हमें सहजन की फली सॉफ्ट चाहिए। साथ ही हम 3 से 4 लंबे कटे हुए आलू लेंगे और 2 से 3 कटे हुए टमाटर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, आधा चम्मच जीरा लेंगे, आधा चम्मच राई लेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे और 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च लेंगे। अब हम सहजन की फली के किनारे कट कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। हमने इनके किनारे कट कर दिए हैं। अब हम 7 से 8 सहजन की फली को इकट्ठा करेंगे। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। हमने इन्हें कट कर लिया है। हमने गैस पे कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। हम इसी तेल में सहजन की फली डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकालेंगे। हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे और टमाटर को लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बार मैश करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे ड्राई होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गई है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और सहजन की फली डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढक के लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी पक गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारी टेस्टी और हेल्दी सहजन की फली की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे चपाती, पराठे, नान या जीरा राइस के साथ सर्व करिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।